स्वागत है आपका एग्जाम हेल्प लॉगर स्टडी चैनल में। हम आपके लिए 28 अक्टूबर 2018 की करंट अफेयर्स लेकर आए हैं और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट जीके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अब अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, तो फ्री में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी क्लासेस आप तक ऐसे ही पहुँचती रहे। चलिए पहली न्यूज़ की बात करते हैं। WBL वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप 2018 ये जीत ली है भारत के सौरभ कोठारी ने। हरा दिया है पीटर गिलक्रिस्ट सिंगापुर के जो हैं पीटर गिलक्रिस्ट, उनको हरा दिया है। ये कहां पर हो रही थी चैंपियनशिप? ये बेंगलुरु में खेली जा रही थी। अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर है कि यूएन ह्यूमन राइट्स प्राइज 2018 ये दिया गया है। किस पर्सन को दिया गया है? आसमा जहांगीर को दिया गया है, जो कि पाकिस्तान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और लॉयर है। उनके साथ साथ में तीन और लोगों को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी कि तीन लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो कि दो और अन्य दूसरे देशों से ताल्लुक रखते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। टॉप चैलेंजर्स अवार्ड 2018 ये दिया गया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को, यानी कि BEML को। तो ये जो फुल फॉर्म है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम के साथ साथ कि किसको अवार्ड मिला है, और साथ में ये फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। चलिए बात करते हैं अब अगले अवार्ड की। अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि PM मोदी जी हाल ही में अभी तीन दिनों की जापान यात्रा पर निकले हैं। वो 13वीं भारत और जापान की एनुअल समिट पर निकले हैं। जापान की यहाँ पर बात हुई है, जापान की बात कर लेते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो और वहाँ की जो करेंसी है वो है येन। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ समिट स्टार्टअप अवार्ड 2018 ये दिया गया है रूपम शर्मा को, जो कि इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनकी उम्र सिर्फ 23 साल है। अगली खबर है कि द अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार ये कौन अपॉइंट हुए हैं? ये सौरभ कुमार अपॉइंट हुए हैं। अभी उन्होंने चार्ज नहीं लिया है लेकिन फ्यूचर डेट्स में वो अपना चार्ज ले लेंगे। आगे खबर है कि वुमेन ऑफ इंडियन नेशनल ओरिजिन फेस्टिवल 2018 का ये एडिशन है, ये इसका उद्घाटन अभी किया है हाल ही में श्रीमती मेनका संजय गांधी जी ने। ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स न्यू दिल्ली में। ये यहाँ पर ये समारोह हुआ था और इसका उद्घाटन मेनका गांधी जी ने किया था। मेनका गांधी जी की बात करें तो वो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। अगली खबर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक नाम SYN सिन सेल्स, यानी कि सिंथेटिक सेल्स। ये एक प्रकार के रोबोट सेल हैं जो कि इंजेक्ट करे जाएंगे, यानी कि साइंटिस्टों ने एक प्रकार का रोबोट सेल बनाया है, कोशिकाएं बनाई है जो कि इंजेक्ट किए जाएंगे बॉडी में और जिनसे पता लगाया जाएगा, जो कि हेल्प करेंगे पता लगाने के लिए कि छोटी से छोटी बीमारी जो है, जो सेल्स और टिश्यूज से रिलेटेड बीमारी होती है, उनमें हेल्प करेंगे ये पता लगाने के लिए। अगली खबर, 22 नेशनल लेवल मीटिंग हुई है। किसके बीच में हुई है? ये भारत और म्यांमार के बीच में हुई है। प्लेस कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगली खबर है गुवाहाटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल GIFF 2018 ये कहां पर हो रहा है? ये फेस्टिवल ये हो रहा है आसाम के अंदर। इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है वासुधाइवा कुटुम्बकम। अगली खबर है वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज फॉर 2018 का वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज दिया गया है प्रोफेसर MS स्वामीनाथम को। दोस्तों अब बारी आज के सवाल की। आपको बताना है कि किस कंट्री का, पूरे विश्व में किस कंट्री का सबसे बिगेस्ट एरिया है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है और चेक करनी है अपनी जीके कि आपकी जीके कितनी स्ट्रांग है। और अगर आप फ्री ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं या अगर आप फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और वहां से फ्रीली डाउनलोड कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको सारी न्यू अपडेट्स मिल पाएँ। शेयर कीजिए इन वीडियोस को WhatsApp और Facebook के जरिए ताकि आप अपने साथ साथ ज़रूरतमंद जो हैं, यानी कि और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, आप उनकी सहायता कर सकें। चलिए अब हमारी मुलाकात होगी कल। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है। जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते।
फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, टेन्योर चाहते हैं या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।